गांधीनगर में कैबिनेट बैठक आयोजन कर मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक में हाजरी आपने परत मुंबई जाए थी संभावनाओ है। कैबिनेट बैठक में सरकार महत्व निर्णय ले तेवी पण शक्यता है। तो पाक नुकसानी मामले सरकार निर्णय करी शके। राज्य में सतत थई रहेला कमोसमी वरसादना कारणे कृषि पाक सहित बागायत पाकों ने नुकसान थयुं हतुं। कैबिनेट बैठक में पानी की परिस्थिति जल संचय मामले पर चर्चा थवानी संभावना है। तो तलाटी कम मंत्री की 7 मई योजनारी परीक्षा की व्यवस्था मामले पर चर्चा थशे। तो राज्यना अन्य महत्वना प्रोजेक्ट सहित राज्यनी वर्तमान परिस्थिति मामले पर चर्चा करवामां आवशे। तो खेड़ा पंथक में भूंड ने पकड़वा माटे नाखेली जाड़ में बे दीपड़ा फसाई गया हता। ज्यारे एक दीपड़ो भागी छूट्यो हतो। दीपड़ा की पूंछड़ी पकड़ी ने उतारेला वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल थया छे। खेड़ाना वारसंग सीम में प्रथमवार दीपड़ाए देखा दीधी हती। भागी छूटेला दीपड़ाने पकड़वा माटे चार पांजरा गोठवाया छे। दीपड़ो जाड़ में फसायो के पछी जाणी जोईने फसावायो छे तेवा सवाल उठ्या छे। राज्य में हजी पण आगामी 4 दिवस कमोसमी वरसाद की आगाही कर गाजवीज साथ भारे पवन साथ वरसाद की आगाही कराई है। तो तारीख 3 થી 6 મે सुधी सामान्य वरसाद रहेशे जारे 7 મે थी वरसाद की असर बंद थशे। भरूच जिलाना झगड़िया तालुका में फरी कमोसमी वरसाद शुरू थयो छे। पवन साथ वरसाद वरसता जनजीवन पर असर थई छे। अचानक मावठू आवाना कारणे कठोर शाकभाजी तेमज फळोनी खेती ने नुकसान थवानी खेडूतोमां चिंता प्रसरी छे। नर्मदाना डेडियापाड़ा वरसाद खाबक्यो हतो। वरसादी माहोलथी कपास उनाळू मग मकाई कपास सुवेर पापड़ी मगफळी केरीना पाकने व्यापक प्रमाण में नुकसान थयु। तो खेडूतोए सर्वे करीने सरकार पासे आर्थिक सहाय चूकवानी मांगणी करी हती। गीर सोमनाथ ना उना शहर में कमोसमी वरसाद खाबक्यो हतो। समग्र पंथक में काळा डिबांग वादळो छवाई वरसाद रूपे आफत वरसा खेडूतों ने भारी नुकसानी थई। असह्य उकळाट बाद कमोसमी वरसाद आवता वैशाख मास में चौमासा जेवो माहौल सर्जायो हतो। तो कमोसमी वरसाद कारण खेडूतों ने व्यापक नुकसान थयु छे। त्यारे विपक्ष नेता अमित चावड़ाए आ मामले मुख्यमंत्री ने पत्र लख्यो छे। मावठाना कारण खेडूतों ने जे नुकसान थयु छे तेनी सामे सहाय पेटी वर्तर चुकवानी सरकार ने तेमणे रजूआत करी छे। वांसदा तालुका पंचायतनी बे बैठकना कांगी सभ्य भाजपमां जोड़ा। 25 वांगण बैठकना परसू बिरारी अने 6 ચારણવાળા બેઠકના યોગેશ દેસાઈએ કોંગ્રેસ તો હાથ છોડ્યો। બંને સભ્યો પોતાના વિસ્તારમાં કોંગ્રેસમાં રહીને વિકાસના કામો ન થતા હોવાની વેદના વ્યક્ત કરી હતી। નવસારીમાં નેશનલ હાઈવે 48 પર અકસ્માત સર્જાયો જેમાં રસ્તા પર એસિડ ઢોળાઈ જતા તેની 1 કિલોમીટર સુધી અસર જોવા મળી છે। नवसारी नेशनल हाईवे पर वेसमा गाम नजीक ट्रक चालके काबू गुमावता ट्रक एसिड भरेल टैंकर साथे अथड़ायो हतो अने रस्ता पर एसिड ढोड़ाई जता 1 કિલોમીટર दूर सुधी तेनी असर जोवा मळी। अकस्मातना कारणे ट्राफिक जामना दृश्यो पण जोवा मळ्या हता। મહેસાણાના માણેકપુરાના પરિવારના 4 લોકોના મોત મામલે એજન્ટો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે। કેનેડાથી અમેરિકા ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી દરમિયાન 4 લોકોનું મોત થયું હતું। ત્યારે સમગ્ર મામલે વસાઈ પોલીસ મથકમાં એજન્ટ નિકુલજી વિહોલ સચિન વિહોલ અર્જુનસિંહ ચાવડા વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી। આ એજન્ટોએ ફરિયાદી અશ્વિનભાઈ ચૌધરી પાસેથી રૂપિયા 60 લાખ લીધા હોવાનો પણ આરોપ છે। मोड़ासाना मालपुर रोड उपरथी 4 બાળકીઓ મળી આવી હતી। આ બાળકીઓનો પિતા દારૂડિયો છે। 2 માસ પૂર્વે માતાનું નિધન થતા તમામ દીકરીઓ નિસહાય બની હતી। ફોઈના ત્યાં રહેતી બાળાઓ કાઢી મુકતા મોડાસા આવી હતી। ત્યારબાદ ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન સંચાલક સ્થળ ઉપર પહોંચી દીકરીઓનો કબજો મેળવ્યો। ચિલ્ડ્રન હોમ દ્વારા બાળાઓને વાલી વારસાને સોંપવામાં આવશે। જો કે બાળકીઓના વાલી વારસો નહીં મળે તો ચાઇલ્ડ વેલ્ફેર કમિટી બાળકીઓને 18 વર્ષની ઉંમર સુધી સાચવશે। हाल में 4 दीकरियों ने मोड़ासा में चिल्ड्रन होम में रखाई छे। तो गीर सोमनाथ ना उना में गैरकायदे हथियार साथे सोशल मीडिया में सीन
जमावानो युवकीने भारे पड्यो छे। एसओजीए उनाना गांगड़ा गामना प्रदीप उर्फ पीयूष दरबार ने धरपकड़ करी छे। एसओजीए युवक ने देशी जामगरी बंदूक साथे धरपकड़ करी आरोपी विरुद्ध उना पुलिस स्टेशन में आंब एक्ट हेठळ गुनो नोंधायो छे। सोशियल मीडिया में मुकेला गैरकायदे हथियार साथेनो वीडियो पुलिस ना ध्याने आवता कार्यवाही करवामां आवी हती। महुआना नेसवड गामे पीजीवीसीएल नी बेदरकारी ने लीधे पितराई भाई बहन वीज करंट लाग्यो। फळियामांथी पसार थता सर्विसवायरमां शोर्ट लागता शीतल नामनी युवतीनुं मौत थयुं छे, ज्यारे युवतीना पितराई भाईए गंभीर हालतमां सारवार माटे होस्पिटल खसेडायो छे। सुरेन्द्रनगरना ध्रांगध्रामां वीजळी पड़ता युवके जीव गुमाव्यो छे। जसापर गामनो आ बनाव छे के जेमां वरसादी माहोल वच्चे वीजळी पड़ता युवक घटनास्थळे ज मृत्यु पाम्यो, तो 50 थी वधु बकराओ पण मौतने भेट्या। सुरेन्द्रनगर जिल्लामां सतत बीजा दिवसे वीजळी पड़वाना बनावने लईने स्थानिको अने खेडूतोमां फफड़ाटनो माहोल फैलायो छे। तो अंकलेश्वरना संजाली गामे नजीवी बाबतमां एक शख्सनी पत्थरना घा मारीने हत्या करवामां आवी हती। पानोली पोलीसे भोला प्रसाद विरुद्ध हत्यानो गुनो नोंधी तेनी धरपकड़ना चक्रो गतिमान कर्या हता। अमदावादमां एक वृद्धने वण मांगी सलाह आपवा जता मौत मळ्युं छे। एक युवके उश्केराईने वृद्ध उपर छरीना घा छींकीने हत्या करी। रामोल पोलीसे हत्यानो गुनो नोंधी आरोपीनी शोधखोळ शरू करी हती। तो नवसारीना चिखलीना कॉलेज सर्कल पासे थाला गामना युवानी हत्या केसमां पोलीसे त्रण आरोपीओनी धरपकड़ करी छे। जो कि हत्यानुं कारण हजु अकबंध छे। पोलीसे कॉल रेकॉर्डिंग अने ह्यूमन इंटेलिजेंसनी मददथी बे आरोपीओने पालनपुर अने एक आरोपीने कलोलथी झड़प्यो छे। युवानी हत्या केसमां हजु परिवारे मृतदेह स्वीकार्यो नथी। तो धोरण 12 साइंसनुं परिणाम जाहेर थई गयुं छे, त्यारे वडोदरामां नापास थनार विद्यार्थीनी ने लागी आवता गड़े फांसो खाईने जीवन टूंकाव्युं छे। जिज्ञासा नामने विद्यार्थिनी धोरण 12 साइंसमां नापास थई हती, जेनुं मन दुख राखीने विद्यार्थिनीए दुपट्टेथी गड़े फांसो खाई आपघात कर्यो छे। विद्यार्थिनीना आपघात बाद तेना परिवारजनोमां शोकनो माहोल छे। 17 वर्षीय दीकरीए आपघात करी लेता परिवारजनोमां घेरा शोकमां छे। विद्यार्थिनीना मृतदेहने सयाजीगंज होस्पिटलमां पोस्टमोर्टम माटे खसेडवामां आव्यो छे। तो सावली तालुकाना मंजूसर गामनी सीमा खानगी कंपनीना गोडाउनमां आग लागी हती। बाजूना खेतरमां कचरो सळगावेली लगावेली आग खानगी गोडाउनमां प्रसरी हती। अमदावादना सेटेलाइटमां चोरीनो बनाव सामे आव्यो छे। चरणकृपा सोसायटीमां सीनियर सिटीजनना मकानमांथी लाखो रूपियानी चोरी करीने शख्स फरार थयो, जे सीसीटीवी फूटेज सामे आव्यो छे। सीसीटीवीमां शख्सो कैद थता मकान मालिके सेटेलाइट पोलीस स्टेशनमां फरियाद नोंधावी, जेथी पोलीसे अलग अलग टीमो बनावी आरोपीओने झड़पी पाड्या। पोलीसे 6 लाखथी वधुनी रोकड अने अन्य सामान कब्जे करी वधु तपास हाथ धरी छे। तो મહેસાણાના ભાંડુ હાઈવે ઉપરથી સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમ દ્વારા વિદેશી દારૂ ભરેલું ટેન્કર ઝડપી પાડવામાં આવ્યું। કુલ 16,871 વિદેશી દારૂની બોટલોનો જથ્થો કબજે કર્યો। રાજસ્થાનથી આવતા કેમિકલ ટેન્કરમાં દારૂ સંતાડવામાં આવ્યો હતો। પોલીસે દારૂ ટેન્કર રોડ અને મોબાઈલ સહિત કુલ 42.81 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે। પોલીસે એક શખ્સની ધરપકડ ઝડપી પાડ્યો છે। વડોદરાના ફતેપુરામાં રહેતી વૃદ્ધા સાથે કેટલાક શખ્સોએ મદદના આશ્વાસન સાથે ઠગાઈ કરી હતી। 70 વર્ષીય વૃદ્ધા સવિતાબહેન રાજપૂત સંગમચાર રસ્તા પાસેથી પરત થતા હતા, તે સમયે અજાણ્યા શખ્સો આવ્યા અને રસ્તો ક્રોસ કરી રિક્ષામાં બેસાડી દેવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું, જે બાદ તેમણે સોનાની ચેન સહિતના દાગીના આપવાનું કહેતા વૃદ્ધાએ 1.25 તોલાની ચેન અને અન્ય દાગીના આપ્યા હતા। જો કે બાદમાં બંને શખ્સો ફરાર થયા, જો કે બાદમાં વૃદ્ધાને ખ્યાલ આવતા ત્યાં સુધી અજાણ્યા શખ્સો રફુચક્કર થઈ ગયા હતા। तो अमदावादनी खानगी स्कूल संचालक पासे 10 लाखनी खंडणी मांगनार आरटीआई एक्टिविस्ट एवा तोड़बाज पत्रकार आशीष कंजरियानी मुश्केलीमां वधारो थयो छे अने तेनी सामे त्रीजी फरियाद दाखल थई छे। मणिनगर भोपल बाद हवे थलतेजनी उद्गम स्कूलना पूर्व डिरेक्टर आशीष कंजरिया सामे फरियाद नोंधावी छे।
वर्ष 2019 में आरटीई हेठ आशीष कंजारिया एडमिशन करावा दबाण करूं, जो एडमिशन नहीं आपे तो 6 लाख की मांग कर धमकी आपी थी। उद्गम स्कूल विरुद्ध आरटीई कर खोटा पुरावा एकठा कर अरजी कर परेशान करने आरोप लगो। गोधरा पेरोल फ्लोड स्क्वॉड 37 वर्षीय फरार आरोपी ने झड़पी पाड़ो। गोंडल पेट्रोल पंप में लूंट और हत्या प्रयास में आरोपी वर्ष 1986 थी फरार हतो। गोधरा पेरोल फ्लोड स्क्वॉड की टीमें बातमी आधार आ आरोपी ने झड़पी पाड़ो। जयरे शहरा भोरखल गाम में आरोपी संबंधी ने मल्वा आयो हतो त्यारे पेरोल फ्लोड स्क्वॉड की टीमें त्या पहुंची आरोपी ने दबोची लीधो। भरत नामनो आ आरोपी चड्डी बनियान धारी गैंग में सामेल हतो। पंचमहाल तारकुंडला गाम में विद्यार्थिनी छेड़ती करना लंपट शिक्षक की पुलिस धरपकड़ की। घोघंबा नजीक तारकुंडला गाम की आदिवासी आश्रम शाला में सहायक शिक्षके विद्यार्थिनी छेड़ती करी हती। आदिजाति विकास विभाग द्वारा संचालित तारकुंडला तुलसी आश्रम शाला में अभ्यास करती सगीर वयनी विद्यार्थिनी शिक्षके छेड़ती करी हती। तो सूरत की नवी सिविल हॉस्पिटल में फरी एक बार विवाद में आई है, तरह हॉस्पिटल एक सीनियर डॉक्टरे जुनियर डॉक्टर ने जाहिर में बधाई वच्चे लाफो मारी देता विवाद सर्जायो। नवी सिविल हॉस्पिटल पांचमा माड़े किडनी विभाग मेडिसिन वोर्ड में घटना बनी थी। जुनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर वच्चे कामगिरी ने लईने बोलाचाली थी, जमा उश्केरायेला सीनियर डॉक्टरे जुनियर डॉक्टर ने बधाई वच्चे तमाचो मारी दीधो। आ घटना बाद मामलो डीन सुधी पहुंचो हतो। हिम्मतनगर ने जिला जेल सिपाही ईश्वरभाई पटेल रूपया 500 की लांच लेता झड़पाओ। फरियादी पास जेल में रहता मित्र ने मळवा माटे सिपाहीए लांच की मांगणी करी हती। हिम्मतनगर एसीबीए सिपाही ने डिटेन करीने आगळनी कार्यवाही हाथ धरी हती। तो वडोदरा में टैंक बनावती कंपनी में थे 1.44 करोड़ ना मुद्दा माल की चोरी मामले पर्दाफाश हो। पुलिस आ मामले 8 महिला चोरों की धरपकड़ करी छे। तो करछिया गाम नजीक आवेली टैंक बनावती कंपनी में 30 अप्रैल थी 2 मे सुधी इंस्ट्रूमेंट की चोरी थी हती। जवाहर पुलिस मथक में अंगे की फरियाद नोधाई हती। तो छत्तीसगढ़ में बुधवार रात्र एक भयानक मार्ग अकस्मात सर्जाओ। बालोद में थे कार और ट्रक वच्चे अकस्मात में 2 बाड़कों सहित 11 लोगों मौत थे। तमाम मृतकों में 10 लोग एक ज परिवार। मृतकों में 5 महिलाओं समावेश। आ तमाम लोग लग्न में हाजरी आप धमतरी सोरम गाम में मार कटोला जई रहा था त्यारे कार भड़की गयो। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना करी रहेला कुस्तीबाजो अने पुलिस वच्चे मोड़ी रात्रे थयेला घर्षण बाद आखरे मामलो ठाड़े पड़ो छे। त्यारे समग्र विस्तार ने बेरिकेड लगावी देवामां आव्या छे, तेमज सघन बंदोबस्त खड़की देवायो छे। तो आ उपरांत दिल्ली पोलीसे कलम 144 पण लागू करी छे। गत रात्रे वरसाद होवाथी आम आदमी पार्टी नेता मोड़ी रात्रे कुस्तीबाजो माटे बेड लईने आव्या हता, जे बाद मामलो बिचकायो हतो। महिला ने पुरुषे कुस्तीबाजोए पुलिसकर्मी दारूना नशा में अपशब्दों बोलिया होवानो पण आक्षेप कर्यो छे। तो उत्तर प्रदेश में महापालिका नगरपालिका की चूंटणी प्रथम तबक्का मतदान थयुं छे, जेमां सीएम योगी आदित्यनाथे गोरखपुर खाते पहुंचीने मतदान कर्युं। तो मतदान कर्या बाद विश्वास व्यक्त करता कहुं छे कि तेमणे विश्वास छे कि आ चूंटणी शांतिपूर्ण रीते संपन्न थशे अने तेमणे मतदान करवा माटेनी पण अपील करी हती। तो दिल्ली में गाढ़ धुम्मस छवायुं हतुं। दिल्ली ना एनसीआर संतनगर बुरारी डीएनडी फ्लायओवर यमुना ब्रिज और नोएडा घणा विस्तारों में गाढ़ धुम्मस जोवा मळ्युं। तो दिल्ली सफरदगंज विस्तार में सवारे 6 वागे तापमान 16.9 डिग्री नोंधायो। तो आ साथ धुम्मस पण देखायो। दिल्ली में छेल्ला 3 दिवस हवामान बगड्यू छे। चोमासा विना सतत वरसाद पड़ी रह्यो छे, जेना कारणे तापमान में पण नोंधपात्र घटाड़ो नोंधाई रह्यो छे। आईएमडी अनुसार 2 महीना रोज लघुत्तम तापमान 19 डिग्री और महत्तम तापमान 27 डिग्री रहेवानी धारणा हती। तो मास्टर कार्ड ना भूतपूर्व सीईओ अजय बंगा विश्व बैंक ना आगामी प्रमुख बनशे। विश्व बैंक ना 25 सभ्यों ना
एक्ઝિક્યુટિવ બોર્ડે બુધવારે અજય બંગાને 5 વર્ષની મુદત માટે પ્રેસિડેન્ટ તરીકે ચૂંટ્યા છે। તેઓ 2 જૂનથી વિશ્વ બેંકના પ્રમુખ તરીકે કામ કરશે। અજય બંગા વિશ્વ બેંકના વર્તમાન પ્રમુખ ડેવિડ માલપાસનું સ્થાન લેશે। ફેબ્રુઆરીના અંતમાં યુએસ પ્રમુખ જો બાઇડન દ્વારા આ પદ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા। तो दिल्ली ना जंतर मंदिर खाते पहलवानों अने पुलिस वच्चे मध्यरात्रे थयेला घर्षण ना अहेवाल मळता कांग्रेस ना नेता दीपेंद्र हुड्डा पण पहोंच्या, जो कि पुलिस तेमने रेसलर्स ने मळवा दीधा नहीं। तो आ साथे दीपेंद्र हुड्डाए पोतानी दलीलो करी हती। तेमने एकला ज मळवा मांगता होवानुं पण कह्युं हतुं, तेम छतां रेसलर्स ने मळवा ना देवाता तेओए पुलिस पर प्रहार कर्या हता। तो रशियाना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या नो षड्यंत्र रचायो होवानो दावो रशिया द्वारा करवामां आवी रह्यो छे। रशियाए जणाव्युं के युक्रेन ड्रोन वडे क्रेमलिन पर हुमलो कर्यो, तो क्रेमलिने आ घटना आतंकवाद नुं कृत्य गणाव्यु छे। तो आ कृत्यनो जवाब आपवा तेना अधिकार हेठळ कार्यवाही करवानी पण चेतवणी रशियाए आपी छे। कर्नाटक में विधानसभा की चूंटणी 10 मे ना रोज योजावानी छे, त्यारे भाजप अने कांग्रेस बंने पार्टी एक बीजा पर शाब्दिक प्रहार करी रह्या छे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ना पुत्र प्रियांक ने इलेक्शन कमीशन द्वारा नोटिस आपवामां आवी छे। प्रियांक खड़गे वडाप्रधान मोदी विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करी हती, जे निवेदन बाद इलेक्शन कमीशने प्रियांक ने नोटिस आपी छे। तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ए पोतानो मेनिफेस्टो जाहिर कर्यो हतो, जे बाद कर्नाटक में चूंटणी प्रचार दरमियान वडाप्रधान मोदी हनुमानजी ने बजरंग दलनी सरखामणी करी हती। तो आ मुद्दे जारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछवामां आव्यु, त्यारे तेमणे कह्युं के हुं आ मुद्दे टिप्पणी करवा मांगतो नथी। खड़गे कह्युं के तेओ जे पण कही रह्या छे ए तेमना विचार छे। पीएम मोदी क्यारे पण संसदमां जवाब आपता नथी, तो तेमना प्रश्ननो जवाब हुं शुं माटे आपुं। तो कर्नाटकना अंकोलामां जाहिर सभाने संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं के कांग्रेस अने जेडीएस सरकारना शासनमां वार्षिक 30,000 करोड़ रूपियानी आसपास विदेश रोकाण आवतुं हतुं, परंतु भाजपना शासनमां वार्षिक 90,000 करोड़ रूपिया एफडीआई आवे छे। तो पीएम मोदीए कह्युं के शुं कर्नाटक गाळो आपनार लोकोने क्यारे माफ करशे नहीं। कर्नाटकना बलागावीमां जाहेर सभाने संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं के कर्नाटकना लोकोए कांग्रेस अने जेडीएसनी शोर्टकट गवर्नन्सनी सावधान रहेवानी जरूर छे। तो ज्यारे कोई समस्याने खतम करवानी जग्याए टाळवामां आवे छे, तो ए कांग्रेसनी जेम काम करे छे। तो आ शोर्टकट गवर्नन्से वोट बैंकनी खराब राजनीतिने जन्म आप्यो छे। पीएम मोदीए वधुमां कह्युं के आवी शोर्टकट राजकारणथी विकास थतुं नथी। कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी नजीक आवी रही छे, त्यारे राजकीय पक्षों वच्चे जुबानी जंग तेज थई गई छे। कर्नाटक में चूंटणी प्रचार दरमियान पीएम मोदीए कांग्रेस पर आकरा प्रहार करता जणाव्युं के कांग्रेस नेता दिल्ली में तेमनी शाही परिवार प्रत्ये जवाबदार छे। दिल्ली में हाजर शाही परिवार अहींना नेताओं ने नियंत्रित करे छे। तेमणे वधुमां कह्युं के जेडीएस पार्टी तो एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छे। शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष पद पर राजीनामु आपवानी जाहेरात कर्याना एक दिवस बाद जितेंद्र आहवाड़े बुधवारे महासचिव पदे थी राजीनामु आप्युं छे। सूत्रों जणाव्या अनुसार पण घणा राजीनामा आवी शके तेम छे। तो एनसीपी वडा 82 वर्षीय शरद पवारे मंगळवारे राजीनामु आपवानी जाहेरात करी हती। तेमना भत्रीजा अजित कह्युं हतुं के साहेबनो निर्णय बदली शकाय तेम नथी। छत्तीसगढ़ना सीएम भूपेश बघेल मोदी सरकार पर प्रहार कर्या, त्यारे आ वखते तेमणे वडाप्रधान मोदी पर प्रहार करता कह्युं छे के मोदीजी फेंकवामां खूब ज एक्सपर्ट छे। भूपेश बघेले कह्युं छे के बजरंग बली अमारी मूर्ति छे, तेना नामे कोई गुंडागिरी के पछी ते करवी योग्य नथी। कांग्रेसे मंगळवारे कर्नाटक विधानसभा चूंटणी माटे घोषणापत्रनी जाहेरात करी हती। तेना कलाको बाद वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए कांग्रेसना घोषणापत्रने पोतानी चूंटणी रेलीमां मुद्दो बनाव्यो हतो। कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी नजीक आ रही है, त्यारे अनेक राजकीय पक्षना नेता प्रदेश में चूंटणी प्रचार कर रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधीए जाहिर सभा ने संबोधन दरमियान जणाव्युं छे के आ वखत की चूंटणी में कांग्रेसे पूर्ण बहुमत साथ जीत अपावो, अने जेथी करीने तमारी जे सरकार बनशे एने कोई तोड़ी शकशे नहीं।
एनसीपी उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेले बुधवार प्रेस कोन्फरन्स कर शरद पवार राजीनामा अंगे बात करता कहु कि शरद पवार मंगलवार राजीनामु आप पार्टी कोईपण सभ्य ने नती परंतु राजीनामा बाद शरद पवार जु कि कदाच इच्छता कि नवी पेढ़ी आगे अमरा कोई ने विषे अगौ की खबर नती तो अमरा के कार्यक्रमों इच्छता कि राजीनामु पाछ खेची ले परंतु शरद पवार निर्णय पर अड़क से एनसीपी अध्यक्ष पदे थी शरद पवार राजीनामु आप दीधु शरद पवार राजीनामा बाद अन्य सभ्य राजीनामा आप तैयारी दर्शाई रहा है तरह बधा वच्चे उद्धव ठाकरे जूथना नेता संजय राउते कहू कि महाराष्ट्र राजकारण में शू चाली रूप है तीन अमे राह जोए छे पवार साहेबनु राजीनामु देश की राजनीति में एक मोटी घटना है ते आघातजनक है परंतु पार्टी की आंतरिक बाबत है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार ईडी ने नोटिस ने लईने मोटो दावो कर्यो छे। तेमणे कह्युं छे कि तेमणे ईडी नो पत्र मळ्यो ईडीए तेमणे पत्र लखीने खेद व्यक्त कर्यो छे अने कह्युं छे कि तेमनुं नाम चार्जशीट में भूलथी आवी गयुं छे। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अने दिल्लीना सीएम अरविंद केजरीवाले आ मामले पीएम पर निशान साध्यु। केजरीवाले कह्युं के शुं भूलथी चार्जशीट में कोईनुं नाम आवी गयुं छे आनाथी स्पष्ट थाय छे कि समग्र मामलो नकली छे। सीबीआई द्वारा तपास करवामां आवनार लीकर पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में वचगाळा जामीन अरजी करी हती। मनीष सिसोदिया द्वारा दाखल करवामां आवेली अरजी पर दिल्ली हाईकोर्टे तपास एजेंसी ने नोटिस फटकारी छे। मनीष सिसोदिया कोर्ट में दाखल करेली अरजी में पत्नी बीमार होवाथी वचगाळा जामीन आपवामां आवे तेवी मांग करी कोर्टे आ मुद्दे तपास एजेंसी ने नोटिस फटकारी छे अने 4 मे सुधी जवाब रजू करवा माटेनो निर्देश कर्यो छे। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रमुख ब्रिजभूषण सिंह राजीनामु आपे तेवी मांग साथ दिल्ली जंतर मंतर मैदान पर धरना आपी रहा छे त्यारे भारतीय ओलम्पिक संघ अध्यक्ष पीटी उषाए कुस्तीबाजों साथ मुलाकात करी हती। आ मुलाकात बाद कुस्तीबाज बजरंग पुनियाए जणाव्यु कि अमारी सरकार के कोई पार्टी सामे लड़ाई नथी। पुनियाए जणाव्यु कि पीटी उषाए कहू कि तेओ अमारी साथे छे अने अमने न्याय अपावामां मदद करशे। जो कि तेमणे कहू कि ज्यां सुधी ब्रिजभूषण की धरपकड़ करवामां नहीं आवे त्यां सुधी तेमना धरणा जारी रहेशे। तो क्रिकेटर मोहम्मद शामी की पत्नी कलकत्ता हाईकोर्ट आदेश सामे सुप्रीम कोर्ट में अपील अरजी करी छे त्यारे कलकत्ता हाईकोर्टे मोहम्मद शामी सामे जारी करवामां आवेला अरेस्ट वॉरंट पर स्टे हटावानो इनकार करी दीधो छे। पश्चिम बंगाल की सेशन्स कोर्टे मोहम्मद शामी सामे जारी करवामां आवेला अरेस्ट वॉरंट पर स्टे आप्यो छे। शामी की पत्नी हसीन जहान द्वारा दाखल करवामां आवेली अरजी में जणाव्यु छे कि शामी लग्नेतर संबंध धरावे छे। केन्द्र सरकार बुधवार सुप्रीम कोर्ट ने जणाव्यु कि सजातीय युगलों की समस्या ने लगता प्रश्नों निवारण माटे केबिनेट सचिव की आगेवानीवाड़ी कमिटी गठन करवामां आवशे। जो कि तेमना लग्न ने मान्यता आपवाना मुद्दा समावेश करवामां नहीं आवे। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की आगेवानी में 5 जजों की डिविजन बेंच सजातीय लग्न ने मान्यता आपवानी अरजी पर सुनावणी करी रही छे। भारतीय हवामान विभागे बुधवार वावाझोड़ा ने लईने एक नवी अपडेट जाहिर करी छे। हवामान विभाग प्रमाणे 6 मे नी आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल नी खाड़ीना विस्तार में चक्रवात नी स्थिति बनवानी शक्यताना पगले आंदमान निकोबार टापूना विस्तारों में वरसाद अने तेज गति थी पवन फूंकाई शके छे। तो आ वावाझोड़ानी असर 2 महीना में बीजा सप्ताह में वधु जोवा मळी शके छे। हवामान विभाग द्वारा देश के केटलाक राज्यों में वरसाद पड़वानी आगाही करवामां आवी छे त्यारे बुधवार उत्तर प्रदेश गोरखपुर में भारे वरसाद पड़ो हतो। वरसाद कारण रोड रस्ता पर पानी दृश्य जोवा मळ्या तेमज केटलीक जग्याए वरसादी पानी भराई वाहन चालकों ने मुश्किली वेठवानो वारो आव्यो। भर उनाळे वरसाद तूटी पड़ता उत्तर प्रदेश खेडूतो पण हालाकीनो सामनो करी रह्या छे। हवामान विभाग ना ऑरेंज अलर्ट ने ध्यान में राखी पुलिस महानिर्देशक बुधवार केदारनाथ यात्रा ने स्थगित करने आदेश करो जेथी ऋषिकेश श्रीनगर थी यात्रा ने रोकी दी। पुलिस महानिर्देशक खराब हवामान ने जोता मुसाफरों ने सहयोग करने अपील करी। हवामान विभागे 2 अने 3 महीना रोज अलर्ट जाहिर कर तेरे आ परिस्थिति में बुधवार केदारनाथ में रोकव शक्य नहीं।
तो जम्मू काश्मीर में फरी एक बार आतंकी और सुरक्षा दल वच्चे अथड़ामण थयानी घटना सामे आवी छे। तो कुपवाड़ा में बुधवार सवारे आतंकी और सुरक्षा दल वच्चे अथड़ामण सर्जाई जेमा बे आतंकवादी और सुरक्षा दल जवानों ठार मार्या छे। तो स्थानिक पुलिस आ अंगे जानकारी आपी छे। उत्तर काश्मीर कुपवाड़ा जिला माछिल विस्तार में सुरक्षा जवानों और केटलाक आतंकी वच्चे अथड़ामण सर्जाई थी जेमा बे आतंकी ठार मराया छे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कर आंकड़ा मुजब देश में छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 3720 नवा केस नोंधाया छे, जयरे सक्रिय केस में सतत घटाड़ो थई रह्यो छे अने हवे ते आंकड़ो 40177 पर पहुंची गयो छे। तो आ दरमियान 7698 दर्दीओ कोरोना थी साजा थया।